Cause I just wanna go, go, go to the deep end. Tech News में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज करते हैं Samsung Galaxy Z Flip 3 का फुल रिव्यू। और ये हमने 10 दिन इस्तेमाल किया है, 10 दिन में जो एक्सपीरियंस है वो आपसे मैं शेयर करूंगा। इनफैक्ट अभी मेरी मम्मी इसका इस्तेमाल कर रही है और जो ज़्यादातर फीडबैक है मैंने उनसे लिया हूँ वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, यानी कि रियल टाइम में जो उनको एक्सपीरियंस हुआ है वो आपसे शेयर करूंगा। अगर आप इस फोन को लेने के लिए एकदम सीरियस थे आप या कन्फ्यूज्ड भी थे, जो भी था, इस वीडियो को देखिए, सारे कन्फ्यूजन आपके में दूर करने वाला हूँ। पहले तो दोस्तों, एक टाइम पर जब फोल्डेबल फोन आते थे हमें डर रहता था कि भाई हाथ से गिरेगा, टूट जाएगा, या ऐसा करूंगा तो कुछ हो जाएगा। लेकिन Z Flip 3 के साथ वैसा कुछ सीन नहीं है। अब आपको बता दूं, इसमें इस बार जो फ्रेम्स है वो आपको आर्मर एल्यूमिनियम मिलते हैं, पहले से थोड़े और इंप्रूव्ड हो गए हैं और ज्यादा स्टडी हो गया है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो बैक साइड है वो आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस के साथ मिलता है, ये भी बढ़िया चीज है। इनफैक्ट आपको बता दूं, ये IPX8 रेटिंग्स के साथ आता है, यानी कि आप इसको 1.5 मीटर तक पानी में आधे घंटे तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि करना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं ये उतनी उसकी क्षमता है, ये उतना उसको झेल सकता है। आई मीन इमेजिन, फोल्डेबल फोन है लेकिन आपको IPX8 रेटिंग्स मिल जाती है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये जो इसके हिंज है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, यानी कि आप देखोगे किसी भी डायरेक्शन में ये आप इसको होल्ड कर सकते हैं। यानी कि मैं इतना नीचे भी चला जाता हूँ तो ये वैसे ही रहेगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये भी एक बहुत ही अलग ही चीज़ है। और सबसे बढ़िया चीज़ तो ये जो स्नैप वाला साउंड है बहुत ही सेटिस्फाइंग है। उसके अलावा डिस्प्ले की बात करेंगे तो आपको इसमें दो डिस्प्लेस मिलती है, एक पीछे की साइड है और एक अंदर की साइड है। अगर मैं कवर डिस्प्ले की बात करता हूं तो ये पहले से बहुत बड़ा हो चुका है, यानी कि पहले 1.1 था, अब 1.9 इंच हो गया है। और बेसिकली ये बहुत ही बढ़िया काम करता है, इसमें बहुत सारी चीजें अब आप इसमें कर सकते हैं। एक तो ये जबरदस्त कलरफुल डिस्प्ले है, आपको नोटिफिकेशन यहां पर आप देख सकते हैं, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, आपको अगर टाइमर सेट करना है, अलार्म वगैरह, ऐसे 7 से 8 आपको विजेट्स मिलते हैं जिनका आप कवर स्क्रीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि फोन आपको ज्यादातर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम आप इस मोड में यहां पर कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ सबसे बढ़िया चीज जो मुझे यहां पर लगी है वो है व्यू फाइंडर, यानी कि आप इस वाले डिस्प्ले से रियर कैमरे से फोटोज वगैरह ले सकते हैं, फोटोज के साथ आप वीडियोस भी ले सकते हैं, आपको सिर्फ स्वाइप करना है, मोड्स आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, बिना फोन ओपन किए आप हाई क्वालिटी यहां पर सेल्फीज यहां पर निकाल सकते हैं, जो मेरे ख्याल से अपने आप में एक बहुत ही कमाल की चीज है। अंदर की साइड आपको 6.7 इंच की यहां पर एक डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, अभी बड़ी डिस्प्ले है, साथ में आपको जो वीडियो आप देखते हो जो कलर्स होते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। वैसे जो आउटर विजिबिलिटी था इसका वो भी मुझे यहां पर बहुत अच्छा लगा है, अच्छी क्वालिटी का आपको यहां पर डिस्प्ले मिलता है। सैमसंग का फोन है, आई डोंट थिंक सो कि डिस्प्ले के मामले में हमें कोई कंप्लेंट्स होती है। साथ ही साथ आपको उसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है इस बार, यानी कि अब डिस्प्ले आपका बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगा, तो डे टू डे लाइफ के जो टास्क होते हैं, ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग, वो आपका सब कुछ यहां पर अच्छा होगा। वैसे इसी में एक चीज अब मैं जोड़ देता हूं, LPDDR5 रैम सपोर्ट, UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट है, तो वैसे तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, वैसे तो स्मूथ चलता ही है, लेकिन इस मामले में भी दोस्तों आपका फोन जो है दूसरे जो काम करते हैं मल्टीटास्किंग वगैरह करते हैं वो एकदम बढ़िया चलता है। लेकिन यहां पर डिस्प्ले के मामले में दो और बड़ी चीजें जो आपको मुझे बतानी है, एक तो ये अब 29% और ब्राइट हो गया है अगर आप उसको प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करते हैं, और दूसरी चीज जो प्लास्टिक फिल्म इसके ऊपर लगी है अंदर की साइड, क्योंकि एक फ्लेक्सिबल डिस्प्ले, तो ये दोस्तों 80% और हार्ड हो गया है और स्ट्रांग है अगर आप उसको प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करते हैं। सबसे बढ़िया चीज आपको बता दूं इस फोन में है वो है ये फ्लेक्स मोड, और ये दोस्तों एक अपने आप में कमाल की चीज है, और सबसे मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चीज इस फोन में यही होगी जहां पर आप इसके थ्रू हैंड्स फ्री यहां पर जो वो वीडियोस और सेल्फीज यहां पर निकाल सकते हैं। यानी कि जैसे कि आप कैमरा ओपन करते हैं, आपने ये कर दिया, जो ट्रांजिशन होता है मतलब फ्लेक्स मोड का, वो बहुत ही स्मूथ है, ऑटोमेटिकली वो चला जाता है फ्लेक्स मोड में ऐसे करने पर, और उसके बाद आप रखकर सिर्फ वेव करिए, आप सेल्फीज आप वीडियोस यहां पर निकाल सकते हैं। अगर आप यहां पर कोई वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हैं, आपने फोन को यहां पर सिर्फ टेबल पर रख लिया, आप पूरा बात कर रहे हो, एक बहुत ही कमाल का आपको यहां पर एक्सपीरियंस मिलता है। और बहुत सारे ऐसे ऐप्स जो ये सपोर्ट करता है, जैसे कि यूट्यूब ओपन कर लिया, मैंने फ्लेक्स मोड में डाल दिया, ऊपर वीडियो चल रहा है, नीचे आप स्वाइप कर सकते, कमेंट्स वगैरह देख सकते हैं, साथ ही साथ अगर गैलरी में मैं ऐसे कर दूं तो ऊपर में फोटोज देख सकता हूं, नीचे में स्वाइप कर सकता हूं, हां ऐसे आप कर सकते हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है फ्लेक्स मोड में, आई थिंक एक बहुत ही कमाल की चीज है जिसका बड़े अच्छे से यहां पर फायदा उठा सकते हैं। उसी के साथ अगर सॉफ्टवेयर की बात करूं तो आपको इसमें One UI 3.1.1 मिलता है, Android 11 आउट द बॉक्स है, One UI 4 और Android 12 पॉसिबली आपको इसमें बड़ी ही जल्दी मिल जाएगा। साथ में दोस्तों सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा है, मतलब मैंने ये चीज नोटिस किया, बहुत सारे ऐसे ऐप्स है जो इसके लिए ऑप्टिमाइज हुए, तो ये चीज आपको यहां पर अच्छी मिलती है। और एक और चीज नॉक्स के साथ सिक्योर्ड है, तो हाँ ये भी चीज आपको यहां पर अच्छी मिल जाती है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जनरली मुझे
कोई कंप्लेंट्स नहीं हुई, ज्यादा कोई मुझे बग्स वगैरह दिखाई नहीं दिए, तो मेरा एक्सपीरियंस वहां पर अच्छा था। बाय द वे ऑडियो की बात करें दोस्तों, तो आपको इनमें डुअल स्टेरियो स्पीकर्स मिलता है और मैं आपको बता दूं क्वाइट लाउड है। तो अगर आप वीडियोस देखते हो, म्यूजिक सुनते हो, तो आपको स्टेरियो इफेक्ट मिलता है, जहां पर मुझे उस मामले में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। साथ ही साथ सिक्योरिटी की बात करें तो आपको इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों मिलता है। मैं आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर खाली दिखाता हूं, आप देखोगे टैप किया अनलॉक हो गया, फिर से आपको दिखाता हूं, ये देखेंगे टैप किया अनलॉक हो गया, ये आपको वैसे काफी फास्ट मिलता है। अब बैटरी की बात करते हैं, मुझे सबसे ज्यादा सवाल इसकी बैटरी से रिगार्डिंग आए थे। इसमें आपको 3300 mAh की बैटरी मिलती है, कैपेसिटी थोड़ी कम है। क्यों? क्योंकि ये एक फ्लिप फोन है, फ्लिप फोन्स में हमें 5000-6000 mAh की बैटरी नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं इसकी बैकअप की। तो यहां पर मैंने ये फोन मेरी मम्मी को दिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया, और उनका यूसेज क्या है पहले वो देखते हैं। व्हाट्सएप ज्यादा यूज करती है, वीडियोस देखती है और कॉल्स वगैरह करती है, इनफैक्ट थोड़ी गेम्स उन्होंने इंस्टॉल किए थे, वो गेम्स भी खेल लेती है। लेकिन यहां पर आपको बता दूं, हमने रात में चार्ज किया था 11 बजे के आसपास, दूसरे दिन अगर आप देखोगे तो 24% बैटरी रिमेनिंग थी। अब ये जो रिजल्ट्स आए ये उनके यूसेज के हिसाब से थे, तो एक दिन ऑलमोस्ट रहता है, लेकिन आपको दिन में एक बार चार्ज तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसमें हैवी गेम्स खेलते, कंटिन्यूसली गेम्स खेलेंगे, तो यस बैटरी जल्दी ड्रेन होगी, क्योंकि हमें फिजिकली भी पता है कि इसमें 3300 mAh की बैटरी है। हालांकि स्क्रीन ऑन टाइम भी मुझे ठीक लगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर आप नॉर्मल यूज के लिए इस्तेमाल करते समझ रहे हो, तो उस हिसाब से आपकी बैटरी आराम से एक दिन यहां पर चलेगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर चार्जिंग की बात करें तो ये फोन में 15 वॉट चार्जिंग सपोर्ट होता है, हालांकि अडैप्टर बॉक्स में नहीं, लेकिन हमने टेस्ट किया तो आधे घंटे में लगभग ये 33% के आसपास चार्ज हो जाता है, और फुल चार्ज करने के लिए लगभग इसको 1.5 घंटा लगता है। ये मैंने मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया तो रिजल्ट्स जो थे वो अराउंड सिमिलर यहां पर मुझे दिखाई दिए थे। परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल फ्लिप फोन है। आपको उसमें Qualcomm Snapdragon 888 5G चिपसेट मिलती है, यस, और ये चिपसेट हमें पता ही हाई एंड गेम्स खेल सकते हैं, इनफैक्ट डे टू लाइफ तो आपका और भी ज्यादा फास्ट होगा। और हमने वैसे अगर कॉल क्वालिटी की भी बात करूं तो फिलहाल इसमें 4G हमने सिम कार्ड डाला था, सिंगल सिम आपको सपोर्ट मिलता है, जियो का सिम डाला था। कॉल क्वालिटी अच्छी है, मैंने मेरी मम्मी से पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे कोई इशू नहीं हुआ, सामने वाले की आवाज भी बढ़िया आती है, आपकी भी आवाज बढ़िया जाती है, तो वहां पर मुझे जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। फाइनली दोस्तों कैमरे की बात करते, पीछे 12 मेगापिक्सल आपको डुअल कैमरा सेटअप है, प्राइमरी 4K 60fps पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं, आपको OIS भी मिलता है, और सैमसंग का फोन है तो उन्होंने कैमरे में काफी सारे फीचर्स दिया है, पोर्ट्रेट वीडियो है, नाइट मोड है, सिंगल टेक है, डायरेक्टर्स व्यू वगैरह सब कुछ आपको यहां पर मिलता है। वैसे 10x जूम भी है, मतलब आप थोड़े अगर जूम करके फोटोज लेना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। साथ में दोस्तों 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है, और उसी के अलावा दोस्तों सेल्फी आपको यहां पर 10 मेगापिक्सल की मिलती है, और ये सेल्फी मुझे Z Fold 3 जैसी लगी थी, कोई चेंजेस नहीं है। और यहां पर भी लेकिन अच्छी बात यह कि 4K 60fps पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं सेल्फी में, जी हाँ, और इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स जो रियर कैमरे में है उन्होंने आपको सेल्फी में भी दिया है। फोटोज दोस्तों अच्छे हैं, सैमसंग का फोन है, फ्लैगशिप फोन है तो प्रीमियम फोटोज आते हैं, कलर्स थोड़े बेटर है, देखने में अच्छा लगता है, डायनामिक रेंज अच्छा है, इनफैक्ट बुके शॉट्स भी काफी अच्छे निकल कर आए थे। तो दिन में अगर आप फोटोज देखोगे तो क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है, और सेल्फी देखेंगे दोस्तों तो काफी शार्प है, ऑप्टिमाइज्ड है, बुके शॉट्स वगैरह सब कुछ देखोगे तो हाँ ये फोटोज काफी अच्छे निकालता है दिन के अंदर। और अगर नाइट देखते हो तो नाइट में भी दोस्तों अच्छे फोटो से ज्यादा नॉइस नहीं है, मतलब क्लैरिटी अच्छी है, नाइट मोड लगाकर भी हमने लिया, नॉर्मल भी लिया था, हमने कुछ पोर्ट्रेट भी लिया था, तो मुझे कोई ज्यादा शिकायत नहीं थी रियर कैमरे से, और सेल्फी भी देखेंगे नाइट में तो अच्छा काम करती है, तो हाँ कुछ इस तरीके के फोटोस आप यहाँ पर नाइट में निकाल सकते हैं। वैसे आपको बता दो वीडियोस बहुत अच्छे निकल कर आते हैं OIS से, तो स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिलती है, हालांकि मुंबई में वेदर ऊपर नीचे होता रहता है, कभी बारिश हो रही है कभी धूप निकलती है, तो इस तरीके से आप डायनामिक रेंज यहाँ पर देखेंगे। और अगर सेल्फी वीडियो देखते तो सेल्फी वीडियो भी अच्छा है, 10 मेगापिक्सल ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा है, और स्टेबलाइजेशन भी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है, तो आप अच्छी खासे यहाँ पर सेल्फी में वीडियोज भी निकाल सकते हैं। तो जाते जाते दोस्तों मैं आपको बता दूं, 10 दिन जब मेरी मम्मी ने इसका इस्तेमाल किया उन्होंने मुझसे यही कहा कि उनको ये फोन पसंद आया है, लेकिन ये उनका एक्सपीरियंस है। मैं एज अ टेकी अगर आपको बताऊं तो ये फोन उन लोगों के लिए बेस्ट होगा जो मतलब एकदम ये फैशनेबल फोन है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो मतलब अगर आपने इसको ऐसा कर दिया, छोटा हो गया, आपने जेब में लेकर कहीं पर भी ये फिट हो जाता है, एक अलग ही तरीके की चीज है दोस्तों, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, एक अलग ही यूनिक स्मार्टफोन है जो देखने में यूज करने में काफी अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है।
तो उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। ओवरऑल अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ गुड फोन टू बाय। 85,000 से स्टार्ट होता है 8120, इसका हायर वाला भी 89,000 का 8256। और अगर आपको चेकआउट करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहां पर जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी, कुछ ऑफर्स वगैरह भी होंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, हम लॉन्ग टर्म भी करेंगे, आगे आपको बताएंगे एक महीने बाद, डेढ़ महीने बाद, कि हमारा उसके बाद भी क्या एक्सपीरियंस था। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।